समाज का प्रेरणा पाते, प्रकृति प्रेरणा, प्रकृति हमारे जब हम निहारते हैं तो बड़ा आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रकृति को अगर मौन रूप से आप निहारते रहो तो भीतर आनंद का झरना बहता रहता है, क्योंकि उसी प्रकृति माँ ने हमको जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया, वह यही प्रकृति है। प्रकृति से हमको प्रेरणा क्या मिलती है कि जिस तरीके से प्रकृति हंसती हंसाती रहती है, खिलखिलाती नजर आती है, तो हमारे जीवन के अंदर भी खिलखिलाहट होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। और ये प्रेरणा जो है हमें आपस में जोड़ती है। जब व्यक्ति व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक प्रेरणा आएगी तो प्रेरणा आने पर जो है वो आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ करके वो अच्छा व्यवहार करेंगे। जब उनके बीच के अंदर अच्छा व्यवहार होगा तो एक अच्छा परिवार बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा। प्रकृति की प्रेरणा देखिए कैसे होती है। हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हम बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं और ग्रीन को सीनरी देखते हैं, बहता हुआ झरना देखते हैं और बहती हुई नदी देखते हैं कलकल करती हुई, और जो है पक्षियों की चहचहाट देखते हैं और पशुओं की जो है हम दहाड़ को सुनते हैं। तो ये विविधता है, सारी प्रकृति से आती है। लेकिन सब विविधताओं के होने के बाद के अंदर प्रकृति में प्रेम की प्रेरणा है, प्रकृति में आह्लाद और आनंद की प्रेरणा है। प्रकृति ये कहती है हमको कि तुम अगर प्राकृतिक जीवन जियोगे तो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तुम कभी रोगी नहीं बन सकते। तो प्रकृति प्रेरणा हमें स्वास्थ्य देती है।